हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो कोई भी प्लान्ड वीडियो नहीं थी। कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताऊं, पेरेंटिंग इंडिया कैसे शुरू हुआ, मैं कौन हूं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करती हूं, ये सब आपके साथ शेयर करूँ। तो अब हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है मुझे ये शेयर करना चाहिए। आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि पीछे ट्रैफिक की आवाज़ है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रितिका, मैं इस समय गुड़गांव में रहती हूँ। और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमसीए किया है और उसके बाद आईटी एमएनसी में जॉब करी है कई साल। उसके बाद शादी होने के बाद जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो मैंने जॉब क्विट कर दी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चे के संग रह पाऊँ जब उसे मेरी ज़रूरत हो। उसके बाद हमारा सेकंड बेबी हुआ है जो अभी 1 ईयर का है। और अब बात करते हैं कि पेरेंटिंग इंडिया का सफ़र कैसे शुरू हुआ। पेरेंटिंग इंडिया जब किया था तो मेरी फर्स्ट बेबी हुआ था, और जैसे जैसे मैंने जो चीज़ फील करी वो ही अपने चैनल पे डाली, जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते थे या मुझे पर्सनली लगता था तो वो चीज़ मैंने अपलोड करी चैनल पे। तो आप सबका बहुत प्यार मिला इस चैनल को, आप सबका बहुत प्रेम मिला, जो बहुत ही इनकरेजिंग था, जिसकी वजह से हम इतना आगे आ पाए। तो यही थी मेरे बारे में, और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। थैंक यू दोस्तों।